प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड पर बहुत ही घिनौना आरोप लगाया है। प्रियंका ने बताया है कि एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर उन्हें अंडरवियर में देखना चाहता था। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ प्रियंका को बीफ भी खाना पड़ा था। प्रियंका चोपड़ा ने द जो रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उस मूवी में वो एक अंडरकवर एजेंट का रोल निभा रही थी। प्रियंका ने बताया कि वो काफी इनह्यूमन मूवमेंट था। प्रियंका ने कहा, मैं फिल्म में अंडरकवर एजेंट का रोल निभा रही थी। एक सीन में मुझे एक शख्स को सेड्यूस करना था, जिसके लिए मुझे एक एक करके कपड़े उतारने थे, इसलिए सीन के लिए मैं ज्यादा कपड़े पहनना चाहती थी। इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं तुम्हें अंडरवियर में देखना चाहता हूं, वरना कोई क्यों इस फिल्म को देखने के लिए आएगा। ये बात उसने सीधे मुझसे नहीं बल्कि मेरे ही सामने मेरे स्टाइलिस्ट से कही। ये पल बहुत अमानवीय था। मुझे इस वक्त महसूस हुआ कि मेरा हुनर किसी काम का नहीं है। 2 दिन काम करने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि तुम फिल्म से बाहर हो गई हो और पैसे लौटा दो। इसके साथ ही प्रियंका ने बताया कि कैसे उन्हें बॉलीवुड में लोगों ने एक किनारे कर दिया। प्रियंका ने कहा कि उन्हें खुद को सबके साथ खड़ा रखने के लिए इंडस्ट्री के लोगों के साथ बीफ भी खाना पड़ा था। प्रियंका ने कहा कि वो बॉलीवुड में पॉलिटिक्स से थक गई थी। प्रियंका अब बॉलीवुड फिल्मों में ना के बराबर नजर आती हैं। हॉलीवुड में प्रियंका का सिक्का चलता है। हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। वेल, प्रियंका के इस खुलासे पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।